क्या प्रतीक सराजपाल की दोस्ती थी फेक? आखिर में क्या है जनता का रिएक्शन? चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, बिग बॉस के घर में प्रतीक सराजपाल और निशांत का एक घमासान झगड़ा देखने को मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती में दरार आ चुकी है। हाल फिलहाल तो जनता का रिएक्शन जो कि प्रतीक सराजपाल के लिए है, वो काफी ज्यादा नेगेटिव देखने को मिला इस दौरान। निशांत जो कि हर मोड़ पर कहीं ना कहीं प्रतीक का सपोर्ट करते हैं, और जहां कहीं भी वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वहां वो आकर उन्हें क्लियर करते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में ये सिचुएशन थी, इसीलिए मैं तुम्हारा जो है सपोर्ट नहीं कर पाया। अब जो है प्रतीक सराजपाल ने जिस तरीके की हरकत करी है घर के अंदर, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है निशांत के लिए भी, और जो प्रतीक और निशांत के फैंस हैं, यानी कि इन दोनों की फ्रेंडशिप जिसे काफी ज्यादा पसंद है, उनके लिए भी। तो यहाँ पर जो है जनता का कहना है कि प्रतीक सराजपाल जो कि काफी ज्यादा अनफेयर भी खेल रहे हैं, साथ ही साथ जो है काफी ज्यादा सेल्फिश भी नजर आ रहे हैं। जहां की निशांत उनका काफी अच्छा दोस्त है, और देवलीना तो हाल फिलहाल ही आई हुई है, और यहाँ पर वो निशांत की दोस्ती छोड़कर जो है देवलीना के सामने अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं फैंस को थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है, और जिसके चलते प्रतीक को जो है फैंस काफी ज्यादा जो है चीजें भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि शायद प्रतीक की फ्रेंडशिप जो है वो कहीं ना कहीं फेक नजर आ रही है। आपकी क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर? आपको भी क्या ऐसा लगता है कि प्रतीक सराजपाल जो कि फेक रिलेशनशिप बनाते हैं, अपने यूज के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।